देखने को मिले हैं यूरोप में। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया है, अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, कैसे यूरोप में क्या परिवर्तन आया, क्या समानता देखने को मिली, और रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में कैसे क्या परिवर्तन हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी पहलुओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव देखने को मिला। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम। आपने नए नए तरीके देखे आज़ादी के लिए, मजबूत तरीके देखे, आइडियाज़ देखे, चीज़ें देखी जिनसे आप फ्रीडम मिल सकती है, आज़ादी मिल सकती है। अनुभव, आई एम रिपीटिंग अगेन, अनुभव, अगर आपको आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ से यस ऑन नो। ठीक है, यस सर, ओके। अनुष्का न्यूराज, ठीक है, आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सको तो प्लीज़ कर लो, अगर अनुभव आपका भी, अगर नेट अच्छा है, अगर नेट अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ऑन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपेंड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच द सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। फ्रांस में जो बदलाव आया वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं हुआ। कोई चीज़ आप करते हो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हो, जैसे आप मान लीजिए आपके पापा अर्न करते हैं, उसके बाद आप जाके खर्च करते हो, ठीक है, आपके पापा के अर्न करने से सिर्फ एक का फ़ायदा नहीं, बहुत से लोगों का फ़ायदा है। आप जिस दुकान में जाके कपड़े खरीदते हो उस दुकान वाले को फ़ायदा है, जहाँ से वो कपड़ा बन के आ रहा है उसको फ़ायदा है। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स, अगर मान लीजिए कॉटन के कपड़े आपने खरीदे, तो जो कॉटन के पेड़ लगाए हैं, कॉटन जो उगा रहे हैं, ठीक है उनको फ़ायदा होता है, उन उसमें जो काम करने वाले लेबर हैं उनको फ़ायदा होता है, तो ये रिवॉल्व करता है। उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बदलाव आया, परिवर्तन आया, वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। ओपन अप पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज, एक नाटकीय बदलाव के लिए सभी के लिए रास्ते खुल गए और परिवर्तन की प्यार आने ही वाली थी हर जगह। इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड, समाज किस तरह से आज बनाया गया है, किस तरीके से इसमें दिक्कत हो रही है, उन सब में परिवर्तन आगे देखने को मिलेगा, और इसमें एक बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। वो बदलाव कैसे देखने को मिलेगा, वो बदलाव देखने को मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जो फ्रांस में परिवर्तन आया उसके वजह से। एज यू हैव रीड, जैसा आपने पढ़ा है, बिफोर द 18th century, 18वीं शताब्दी से पहले, सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स। हमारा जो पूरा सोसाइटी था अलग अलग स्टेट में, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, अलग अलग स्टेट में विभाजित था। मैंने जैसा आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो था उसको क्या कहते हैं, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जो थर्ड स्टेट था वो टैक्स पे करता था। तो हमने समाज को अलग अलग स्टेट्स में बांट के रखा था, उनके बीच में अलग अलग तरीके की दिक्कतें, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, वो भी एक कारण था कहीं ना कहीं दिक्कतें उपलब्ध होने का। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, आप ज्वाइन करें युवराज, जल्दी, हाँ जल्दी करिए, ओके। तो फिर इसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी परिवर्तन का, क्योंकि अभी तक क्या था, स्टेट वाले जो भी कुछ चल रहा था, पोप हैं या किंग हैं, सब कुछ चल रहा था, उससे कोई लोग डरते थे, ठीक है। अब लेकिन जब वहाँ पे फ्रांस में परिवर्तन देखा, तो उन लोगों ने समझा कि आप परिवर्तन किया जा सकता है। एज यू हैव रीड, इन 18th century वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड टू स्टेट एंड ऑर्डर्स, इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च विच कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और जो आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक परिवर्तन होना था वो सिर्फ दो लोगों के हाथों में था, एक जो शासन करने वाले राजा थे, और दूसरा जो चर्च के पोप्स थे, वहाँ पे पादरी जो हुआ करते थे, जो लोग क्या कहते धर्म के बारे में पढ़ाते थे, उन दोनों के हाथों में सारा कंट्रोल था, चाहे आर्थिक व्यवस्था का हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का हो। साइलेंटली आफ्टर द रेवोल्यूशन, परिवर्तन के तुरंत बाद, इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस, ये जो विचार थे इनको परिवर्तित करने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, अलग अलग हिस्सों में पूरे विश्व के, यूरोप, एशिया,
ये सभी यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, उन सभी में परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ख्याल आने लगे लोगों को। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट, ह्यूमन राइट्स की हम बात करने लगे। जिन इंसानों को आप जानवरों तक का सुलूक किया जाता था, जान कुत्ते की तरह सुलूक किया जाता था, बेचा और खरीदा जाता था, ठीक है, स्लेव्स बना के रखा जाता था, हम उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, और सामाजिक ढांचे में किसके पास कंट्रोल करने का, या सामाजिक ढांचा को बदलने के लिए किसके पास कंट्रोल रहेगा, इन सभी विषयों पर विचार करने लगे, जो अभी तक किसी के द्वारा विचार नहीं किए जाते थे, क्योंकि हम डरते थे उन सभी क्लासेस से जो रूल कर रही हैं। लेकिन अब नए नए डिस्कशन स्टार्ट हुए कि अब जो रूलर है उसको बनाने की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। ये सब डिस्कशन शुरू हुए भारत में भी, इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय। भारत में हमने जैसे बात किया था, राजा राम मोहन रॉय एक रेवोल्यूशनरी थे, जिन्हें सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन सभी चीज़ों के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी, मुहिम चलाया था, ठीक है। एंड डर्जियो टॉल्क ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उनने बात की, उनने समझा इस फ्रेंच रिवोल्यूशन कहीं ना कहीं उनके लिए कैसे मददकारी हो सकता है, उन्हें कैसे मदद पहुंचा सकता है। इन सभी विषयों पे बहस होने लगे। मेनी अदर डिबेट्स द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशन इन यूरोप, अलग अलग जगह बहस होने लगी, नए नए तरीके के आइडिया आने लगे कि कैसे रेवोल्यूशन के बाद, पोस्ट रेवोल्यूशन, हम कैसे एक देश बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वो कंट्री में कैसे किसको फ्रीडम दी जाएगी, एक्सप्रेशन का फ्रीडम किस तरह रहेगा लोगों को, ठीक है। उन सभी बातों पर एक गहन अध्ययन होने लगा, बहस होने लगी। ये सब दिखाता है, ये सब शो करता है कि एक जगह रेवोल्यूशन आया था, एक जगह रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन से आसपास की जगहों पे कैसे असर पहुंचा, ये देखने को आपको मिला। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट, अगर हम बात करें फिर द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशन इन यूरोप। आप म्यूट कर दें प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी साइड से। या थैंक यू, एक मिनट में देख लूँ, म्यूट करने, अनम्यूट करने सबको दिया है, ओके। चलिए फिर क्या है कि उसके बाद द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न री सेव दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज, और ये जब ये जो परिवर्तन हुए फ्रांस में, जो परिवर्तन हुआ, ये लोगों के अंदर, जो लोगों के अंदर जो है अब नई भावना आने लगी। किस चीज़ की भावना आने लगी? इस बात की भावना आने लगी कि हम फिर से रीशेप कर सकते हैं, हम इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और अब जो रूल कर रहे थे इनको भी विचार करने पे मजबूर हो गए कि अगर हम इसी तरह का दुर्व्यवहार यहाँ के कॉलोनियल शासन जहाँ हम कर रहे हैं उनके लोगों के साथ करेंगे, तो आगे चल के हमारे साथ भी वही हश्र होगा जो फ्रांस में वहाँ के राजा के साथ हुआ था, लुईस 14 के साथ हुआ था, लुईस 16 के साथ हुआ था, उनकी वाइफ के साथ हुआ था, क्वीन के साथ जो हुआ था। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, लेकिन समाज में हर एक व्यक्ति एक समान नहीं है। आपने कई बार कहावत भी सुना होगा हिंदी में, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, वैसे ही समाज में सभी लोग एक साथ इतना बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड डैट सम चेंजेस वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कुछ लोग ऐसे भी परिवर्तित हुए और ऐसे भी माने कि हम परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे हो। टू धोज हु हैड टू रेस्ट रीस्ट्रक्चर सोशल रेडिकली, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मानते, कुछ तो मानते थे कि चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ मानते थे चेंज हो पर धीरे धीरे हो, कुछ लोग मानते थे कि समाज का पुनर्निर्माण हो और पूरी तरह से परिवर्तन किया जाए। समवेयर कंजर्वेटिव्स, अदर लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स हुए। कंजर्वेटिव एक को कहा गया जो चाहते थे समाज में चेंज हो पर धीरे धीरे, लिबरल और रेडिकल्स कहा गया जो कि तेज़ी से बदलाव चाहते थे। वॉट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, उस समय काल के अनुसार इन शब्दों के क्या अर्थ थे, आइए समझते हैं। वॉट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स
ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉट लिंक देम टुगेदर, और ये सभी कैसे क्या कहते हैं इनको सबको जोड़ते हैं, आपस में कैसे जोड़ते हैं, और इनका नाता पॉलिटिक्स से, नेतागिरी या राजनीति से कैसे है, ये भी देखने की बात है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट दीज टर्म डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल एट ऑल टाइम। सभी चीज़ों के लिए इन शब्दों के मतलब सेम नहीं रहते हैं, एक ही नहीं रहते हैं, और अगर हम बात करें ऑल टाइम, सभी समय पर इनके मतलब सेम नहीं रहते हैं। वी विल लुक ब्रीफली, हम और ध्यानपूर्वक देखेंगे एट सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, जो पहले से राजनीतिक मान्यताएं रखी गईं, जो पूर्वजों से चली हुई मान्यताएं थी ऑफ 19th century, 19वीं शताब्दी में, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस द चेंज, और ये भी देखेंगे इन्हों के वजह से कैसे परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन पे इन शब्दों का, इन शब्दों के अर्थ का क्या मतलब, क्या असर रहा। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। हम एक ऐसे समय पे जाएंगे, एक ऐसे समय काल में जाएंगे, एक ऐसे इवेंट को देखेंगे इतिहास में जिस समय पर बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, समाज का एक बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हुए देखा गया। Now, the revolution in the Russia socialism became one of the most significant and powerful ideas to save the society in the 20th century. और जो revolution, परिवर्तन आया रशिया में, और socialism जो है, ठीक है, अगर हम socialism की बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें समाज में समान विचारधाराओं की बात करें, सामाजिक बदलाव की बात करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी एक आइडिया है जो कि हमारे पूरे समाज को बनाकर रखा है 20वीं शताब्दी में, ठीक है। हर जगह परिवर्तन, ठीक है, अलग जगह पे ब्लैक और वाइट्स का, ठीक है, फिर कहीं जगह पे क्या कहते हैं आर्यन और अदर रेसेस का, कहीं जगह पे जर्मन और अदर रेसेस का, कई जगहों पर क्या कहते हैं ज़ियू और क्या कहते हैं क्रिश्चियंस का, कहीं पे शिया और सुन्नी का, हर जगह पे हमने डिस्क्रिमिनेशंस देखे हैं। इवन दो यहाँ पे भी सोशलिज्म की वजह से चेंजेस आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कम्प्लीटली चेंज आ गया है, आज भी बहुत से लोग जो है कहीं ना कहीं, आज भी बहुत से लोग विचार, पुराने विचारधारा के हैं, जो एससी एसटी ओबीसी इन सभी कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो इन सभी कुरीतियों को नहीं मानते हैं और अपने आसपास बदलाव भी करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं एक सिंपल सा आप क्वेश्चन पूछूं, जो लोग विश्वास करते हैं एससी एसटी या जिस चीज़ में भी विश्वास करते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपके घर में, अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप ये चेक करते हैं एससी है एसटी है, किस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, ओबीसी है या फिर आपकी कास्ट वाला है कि नहीं। अगर आप मीन्स अगर अपर कास्ट में भी बात करें, उसमें भी लोअर और अपर होता है, ठीक है, अरे ये आप कौन है, अरे आपको है क्षत्रिय है, आप कौन है, आप ब्राह्मण है, अरे नहीं ब्राह्मण है तो आप क्षत्रिय होकर के आप बड़े वाले के लोगों के आ गए हैं, तो आप अगर पानी पी रहे हैं तो उसको धुलना पड़ेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, मान लिया आप, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बिलीव करते हैं, जो लोग मैं बिलीव करता हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं बिलीव करते हैं मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जिन होटल्स में आप खाना खाते हो और जो सब्जी आप खाते हो, क्या वो लिखा हुआ होता है उस सब्जी में, टेप चिपका रहता है कि इसे एससी ने एसटी ने ओबीसी ने नहीं टच किया है, क्या उसमें लिखा रहता है कि जो सब्जी आपके पनीर पसंदा खा रहे हो वो आपकी सब्जी बनाने वाला व्यक्ति एससी एसटी या ओबीसी का नहीं है, कहीं पे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पे आप खा जाते हो, जहाँ पे आपको दिखता है पता रहता है तो आप नहीं, आप इंडिया के बाहर जाओ आपको वहाँ पे सारे डिस्क्रिमिनेशन भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि वहाँ आप अल्पसंख्यक हो जाते हो, आपकी संख्या कम हो जाती है, आप डरते रहते हो कहीं ना कोई दूसरा मान ना दे, इसलिए आपको कोई भी मिलेगा साथी, चाहे जिस कम्युनिटी से हो आप सबका साथ लेने के लिए तैयार रहोगे, इसलिए विचारधाराएँ यहाँ पे भी बदली हैं, भारत में भी बदली हैं, और तेज़ी से बदलने की यहाँ पे और ज़रूरत भी है, ठीक है। आज भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से चेंज हो गया, बहुत से लोग सामने कुछ और मन में कुछ और रहते हैं, उसमें भी चेंजेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स,
अब यहाँ पे इन अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे, इन ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। अनुभव, अनुष्का, युवराज, आवाज आ रही है आपको? प्लीज से यस और नो। यस सर आ रही है, तो बट बीच बीच में थोड़ा डिस्कनेक्शन हो जाता है। ओके, अनुष्का जो आपको प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, शाम का समय है, नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसके बाद दिन भर मोबाइल भी चला है, वो भी रेस्ट मांग रहा होगा, कह रहा होगा सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, हैं तो वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। युवराज प्लीज़ ये ड्राइंग मत करें, नहीं तो आपको पिकासो वाले पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल, एक ऐसा संगठन जो जिसको माना गया था कि समाज में परिवर्तन लाएगा, उसे उन्हें लिबरल्स कहा गया था। लिबरल्स वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, लिबरल जो थे, लिबरल विचारधारा के जो लोग थे, वो चाहते थे एक ऐसा देश हो जिसमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दी जाए, टॉलरेट किया जाए, उनको मानने का आज़ादी दी जाए। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, और ये हमें याद रखना चाहिए जो यूरोपियन नेशन थे वो किसी एक धर्म को फेवर करते थे और दूसरे धर्म को फेवर नहीं करते थे, उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे ब्रिटेन चर्चेस को फेवर करता था, इंग्लैंड, रशिया, स्पेन, इन सब में कैथोलिक चर्च को प्रेफर किया जाता था। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, लिबरल्स का ये भी माना था किसी एक शासक को इतनी ताकत ना दी जाए, इतनी ताकत ना दी जा सके कि वो इस भ्रम में हो जाए कि वो शासक नहीं है, वो तानाशाह है, और वो उल्टे सीधे फैसले ले, वो जो भी फैसले ले उस जनता के अहित के लिए हो। तो वो चाहते थे लिबरल्स के, लिबरल जो जो संगठन है, जो ग्रुप है, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, वो मानते हैं कि सरकार में रहने वाले जो शासक हैं उनकी पावर जो है कंट्रोल्ड वे में हो, एग्जैक्टली फ्रीडम ना रहे, आप कैसे भी आप कर सकते हैं ये चीज़ें ना रहे। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, वो लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण चाहते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, की सरकार उसका दुरुपयोग ना कर सके। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, वो चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग नुमाइंदे आए, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और वो पार्लियामेंट चाहते थे, एक ऐसी सरकार चाहते थे जहाँ पे पार्लियामेंट भी हो। अच्छा देखिए, अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी या जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनका वोटिंग डायरेक्टली भी की जा सकती है, पूरे देश भर में वोट डलवा दी जाए, ऐसा तो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फेल कर जाएगा, हमारे पास अच्छी सुविधाएँ हैं, हम वोट करा सकते हैं, गिनती भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों सुना है, यहाँ पे एक डिस्कशन का मुद्दा है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग जगह के रिप्रेजेंटेटिव भी उपलब्ध रहें और कोई भी फैसले लिए जाएं उनमें वो डिस्कशन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें, जो प्रॉब्लम्स वहाँ की लोगों की हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहें, ठीक है। तो लिबरल्स क्या चाहते थे, ऐसी सरकार हो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए और रिप्रेजेंटेटिव भी लोगों के द्वारा चुने गए हों, सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड द ऑफिशियल्स, और जो न्याय व्यवस्था चलाने वाले, न्यायालय में बैठने वाले न्यायाधीश हों, वो अच्छे खासे ट्रेंड हों, उनको अच्छी जानकारी हो कानून के बारे में, लॉ के बारे में, और उनके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, ठीक है, चाहे वो शासक हो, चाहे वो नौकरशाह हो, किसी का भी कंट्रोल उन क्या कहते हैं जुडिशरी सिस्टम चलाने वाले जजेस के ऊपर ना हो। हाउएवर दे वेयर नॉट डेमोक्रेटिक, उनको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक हित के हिसाब से नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए, एक उदाहरण मान लीजिए, जो कोई हिंदू संगठन से, ठीक है, वो जाके चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है कि उसके घर में खाने के लिए नहीं रहता, ठीक है, वो लोग भूखे मर रहे थे लेकिन उसने चोरी कर लिया, अगर कानून के हिसाब देखें तो वो क्या है, एक क्राइम है, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर जनता का फेवर लिया जाएगा तो वो उनको माफ़ करने की कोशिश करेगी ना, क्योंकि उसने जो गलत काम किया किसी अच्छे चीज़ के लिए किया है,
तो इस तरह से सब कोई कह सकता है कि हाँ हमने ये गलत काम इसलिए किया क्योंकि हमें ये चाहिए था, हमने गलत काम इसलिए किया तो हमें ये चाहिए था। इसीलिए हम किसी जो जज को लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार वोटिंग करा करके नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम वोटिंग करा के जज का चयन करेंगे तो वो जज आगे चल के उन ऐसे ऐसे समुदाय के फेवर में फैसले लेगा जिस समुदाय से उसको वोट मिले, ठीक है। तो इसलिए उसको डेमोक्रेटिक वे में एक जज को नहीं प्रेफर कर सकते। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। लेकिन लिबरल्स जो थे वो सभी लोगों को वोट करने का अधिकार पे विश्वास नहीं रखते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो मानते थे कि जिनके पास संपत्ति हो उन्हीं के पास वोट करने का अधिकार हो। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वोमेन। और वो ये भी नहीं चाहते थे, देखिए अगर ये सबसे अच्छे होते तो इनकी विचारधारा मानी जाती, आज इन्हीं को लोग फॉलो कर रहे होते और इन्हीं को लोग मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग सभी को अब जो अगर सभी को होता, अगर सभी लोग माने जाते तो सीधी सी बात है, अगर हम सभी को अच्छा होता एकदम तो हम आज उसको मान रहे होते ना, लिबरल्स को मान रहे होते, हम डेमोक्रेसी या फिर हम सोशलिज्म की बात ना करते, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट अगर अगर सार निकाला जाए, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें बहुमत हो, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन है उसमें जो बहुसंख्यक हैं उनकी सरकार बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट अनलाइक लिबरल्स। वो महिलाओं को वोट करने का अधिकार या उनके जो मूवमेंट चलते हैं, जो मुहिम चलाई जाती हैं, उन सभी को कई लोग सपोर्ट कर रहे थे। मैनी सपोर्टेड अनलाइक लिबरल, लिबरल की तरह नहीं थे। दे सपोज्ड अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। वो जैसे क्या है कि लिबरल्स क्या मानते थे, लिबरल्स मानते थे कि हाँ वोट करने का अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए। समझ में आया? हेलो जी। तो अनलिबरल्स की तरह नहीं, जैसे लिबरल्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई जिनके पास जमीन हो संपत्ति हो उन्हीं वोट करने को मिले, तो ऐसा नहीं चाहते थे। रेडिकल्स का मानना था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो ऐसा भी नहीं मानते थे कि हाँ किसी की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबकी सरकारी संपत्ति हो, ऐसा नहीं, ये भी बिलीव नहीं करते। बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे रेडिकल्स कि जो संपत्ति हो वो कुछ ही लोगों के हाथों में। कंजर्वेटिव्स वे आर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो रेडिकल और लिबरल दोनों का विरोध करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में परिवर्तन के बाद, हाउ एवर इवन द कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। यहाँ तक कंजर्वेटिव ने भी अपना दिमाग परिवर्तित कर लिया था और वो भी मानते थे कि परिवर्तन जरूर होना चाहिए। अर्लियर इन 18th century, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडियाज ऑफ चेंज। शुरुआती दिनों में ये चेंज को, परिवर्तन को मानते नहीं थे, ये मानते थे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बट माई 19th century, लेकिन 19वीं शताब्दी में, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इन्वाइटेबल बट बिलीव्ड दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्ट एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन उनका मानना था कि जो पुरखों ने करके गए हैं, जो पुरखे पुरनिया करके गए हैं, अच्छा किए हों या गलत, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो परिवर्तन हो वो धीरे धीरे हो, धीरे धीरे हो, इस तरह के विश्वास के साथ। कौन थे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। इनका बिल्कुल मानना ही था कि हाँ ये हमें कोई परिवर्तन चाहिए, कुछ होना चाहिए, डजंट मैटर। स्टार्टिंग में ये पूरी तरह से विरोध करते थे रेडिकल्स का, लिबरल्स का, क्योंकि रेडिकल और लिबरल चेंज चाहते थे, समाज में परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स का मानना था ना, जैसे वो रहते नहीं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं कि हाँ ठीक है होमवर्क किया है, यस किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, तो मतलब उनको कुछ कहो ना, ठीक है, अगर मार दिए ठीक है, नई कोचिंग, नया जगह, ठीक है, स्कूल में डांट दिए, नया स्कूल, नई ड्रेस, ठीक है, सब कुछ नया नया,
क्योंकि स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। अरे बहुत ख़राब पढ़ाते हैं। क्यों नहीं अच्छा पढ़ाते हैं? क्योंकि होमवर्क पूछ लिया था। ठीक है, तो वो क्यों परिवर्तन अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। स्कूल चेंज कर देंगे, कोचिंग चेंज कर देंगे, हर चीज़ चेंज कर देंगे, बट जो अपनी गंदी आदत है उसको चेंज नहीं करेंगे। वैसे कंजर्वेटिव स्टार्टिंग के टाइम पे थे, वो सब कुछ चेंज करने के लिए नहीं तैयार थे। सिर्फ वो सिर्फ शांति से चाहते थे जैसे वो हैं, जैसे वो समाज है वैसा ही बना रहे, कोई परिवर्तन ना हो। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट द सोशल चेंज क्लास ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस तरह के जो ये विवाद थे, जो क्लैश हो रहे थे अलग अलग विचारधाराओं के साथ, इस जो पॉलिटिकल चेंज हुआ, बदलाव देखे गए, और सब बदलाव कब देखे गए? जब फ्रांस में परिवर्तन आया, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस की क्रांति के बाद द वेरियस अटेम्प्ट ऑफ द रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। बहुत सारे बार प्रयास किया गया, कई सारे प्रयास किए गए कि परिवर्तन किया गया, परिवर्तन लाया जाए। इन सभी चीज़ों से ये हुआ कि उनको महसूस हुआ, उनको ये अपनी अपनी लिमिट्स पता चली कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उनके पास क्या ताकतें हैं या क्या कमजोरी हैं, जिन विषयों पे उनको काम करना। क्लियर? यस सर। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक जो भी क्लास अटेंड की है शक्ति सर की, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप अपने मत दें। ठीक है, मत बताएं वाला मत नहीं, प्लीज़ बताएं। ठीक है यस सर, आ रहा है। अनुभव जी। यस सर, आ रहा है। या मुझे लगता है कि अगर शक्ति सर क्लास ले रहे हैं तो क्लास इंटरेस्टिंग भी होती होगी आपके लिए। कुछ और इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी वो बताते होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, मीन्स जो आपको जो आपके मतलब बुक में भी नहीं होगा, वो वहाँ तक की चीज़ों को समझाते होंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ उन सभी चीज़ों का बेनिफिट भी उठाएं। जिस समय जो सर पढ़ा रहे हैं उसके बाद अगर वो उसका वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, जिन पॉइंट्स को समझा रहे हैं, उनके नोट्स भी ज़रूर बनाएं। ठीक है, मैं वैसे मैं भी वीडियोस भेज रहा हूँ, आप लोग देखा करें, रिकॉल किया करें। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपको जितना समझाया गया उसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं समझ में आई है, आप बिना हिचक के, चाहे हम हैं चाहे शक्ति सर हैं, किसी से भी कह सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कोई भी डांटेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ तक कि मैं उज्जवल जैसे बच्चे को भी पढ़ाया हूँ जो कि 4 से 4 5 बार पूरा चीज़ समझ करके आखिर में इस तरह से नहीं करता था। मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग खुद सामने थे। हो सकता है कि अभी जब अगर लॉकडाउन ओपन हो तो होपफुली अगर वो आते हैं तो आप खुद भी देखोगे, अगर देखने का मौका मिलेगा सामने जब वो आएंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन में क्या है क्या नहीं उसमें आप देख नहीं सकते, बट आप देखोगे उसमें और आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह के सफरेज रहते हैं। बट मैं उन सफरेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। आप अगर आपको 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मैं मैथ स्टार्ट करूँगा, और मैथ स्टार्ट करूँगा तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना आए तब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, रही बात कोर्स ख़त्म करने की, कोर्स आपकी पूरी बुक का हम 30 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 1 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, और चाहे तो 6 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। कोर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, साइंस का जितना भी चीज़ें आज तक अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं चाहूँ एक दिन में भेज के मैं सारा कुछ ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं कि सब ख़त्म करना है। ख़त्म क्यों करना है भाई? ठीक है, आपको ख़त्म करके कोर्स को ये थोड़ी ना करना है कि हमें फॉर्मेलिटी करनी। ठीक है, हमें चाहते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी डाउट रहा करें, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यू मे आस्क फ्रीली, इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, आप लोग आज़ाद हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय एवरीवन, और सॉरी, गुड नाइट। अब इसके बाद 1 आध घंटे 2 घंटे में आप सोओगे।
और कल के दिन टाइमिंग वही रहेगी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज के दिन टाइमिंग इस वजह से चेंज हुई क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, अनुष्का भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, अनुभव भैया प्रेजेंट थे बट युवराज भी क्लास ज्वाइन नहीं किए। मैं चाहता तो रिकॉर्ड कर सकता था।